It makes no damn sense. Compels me, though. All right, so Niyat starring Vidya Balan, Ram Kapoor, Rahul Bose, Prajakta Kohli, Shashank Arora and an ensemble of a cast aaj finally release ho chuki hai and iska plot revolves around Ashish Kapoor played by Ram Kapoor jo ek bahut rich and influential businessman hai and he invites his friends over to his castle for his birthday party and party ka end aate aate we find Ashish Kapoor's body near the sea dropped dead. Ab Ashish Kapoor ko kisne mara? Kiske kaun se dark secrets hain and kya sabhi ke paas viable motive hai? इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती हैं सीबीआई ऑफिसर मीरा राव प्लेड बाय विद्या बालन एंड अब आगे क्या क्या रिवील होता है उसके लिए यू नीड टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स बिकॉज दिस विल बी स्पॉइलर फ्री। पॉजिटिव्स की बात करें तो द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर रियली गुड, मतलब आपको हर वेराइटी का इंसान मिलेगा, फ्रॉम अ फेल्ड डॉक्टर हु थिंक्स ही इज अ लूजर टू अ ड्रंक डिपेंडेंट ब्रदर इन लॉ टू अ टैरो कार्ड रीडर, सब कुछ। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ हू डन इट। जितने एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स होते हैं उतना ही ऑडियंस इन्वेस्ट हो पाता है मूवी में and I think Anu Menon pulled this off pretty well. Sabke paas apni ek backstory hai and they have layers that we slowly peel out during the movie. Background music aur soundtrack ka bhi kaafi acche se integration kara gaya hai and it helps the intrigue build up even more. Special shout out to Farebi because main pure time wohi gaata hua wapas aaya hoon, which is a sign that it is a very catchy song. The cast has also done a fine job for what they were given. I really wish we could have seen more of Prajakta shine because she was the main reason I was excited for this movie. But in the limited time she got, she left an impact. Vidya Balan tries her best. Her acting as a detective was not convincing enough, which is very important in a whodunit, and uski wajah se the film suffers a bit. But undoubtedly the standout was Ram Kapoor. Jitni der tak he was on screen, pura frame unhi ka tha. He commanded the room and oozed out the personality of AK like no one else. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ यही विश कर रहा था कि उन्हें वापस स्क्रीन पर ले आओ बिकॉज ही वॉज फिनोमिनल इन दिस रोल। ऑल्सो द प्लॉट इज नॉट अ सस्ता नाइव्स आउट। जो लोग भी ये कह रहे हैं दैट्स जस्ट बिकॉज देर आर सम सिमिलैरिटीज बट दैट डजंट मेक दिस अ रिप ऑफ। प्लॉट लाइन को यूनिक रखने की पूरी कोशिश रखी गई है विद सम अमेजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स एस्पेशली द लास्ट वन एंड यस दैट इज हाउ अ हू डन इट इज डायरेक्टेड। पर अब ड्रॉबैक्स की बात करें तो वन ऑफ द मेजर वन इज द फैक्ट कि द मोटिव्स वर जस्ट टू चीजी। आई थिंक सब हू डन इट के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं, तो जब द डिटेक्टिव इज एक्सपोजिंग एवरीवन्स मोटिव्स वो मुझे थोड़ा ज्यादा ही चीजी लगा। आई मीन कुछ कुछ वर जस्टिफाइड पर कुछ कुछ बिल्कुल ही ओवर द टॉप एंड अनरियलिस्टिक थे जिससे यू डिडंट फील द इम्पैक्ट जो फील होना चाहिए था। इम्पैक्ट की बात करें तो डिस्पाइट द प्लॉट ट्राइंग टू बी न्यू, राइटर्स ऑडियंस को वो स्टेक्स या कॉन्स्टेंट टेंशन फील नहीं करा पाते मूवी में जो होनी चाहिए इस टाइप की मिस्ट्री में। हाँ देर आर मल्टीपल डेथ्स बट कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा दैट एवरी वन इज इन डेंजर एंड बहुत जरूरी है किलर को पकड़ना। दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी इज जस्ट नॉट देयर जिसकी वजह से द मूवीज डज गेट स्लो इन पार्ट्स। ऑल्सो ऑडियंस को डिटेक्टिव के साथ साथ सॉल्व करनी होती है चीजें विद द क्लूज दे आर बोथ आर फीडेड एट द सेम टाइम, पर इसमें मीरा राव को एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा दिखाया गया है एंड शी सॉल्व्स मोस्ट ऑफ इट हरसेल्फ एंड हमें उतना नहीं दिखाया जाता कि हम खुद पीस कर पाए ये सारे क्लूज which takes us out of the movie sometimes. All in all, I would rate this movie 3 out of 5 because despite the stakes not being high enough, plot and the premise was fun. And I'm hopeful that ye movie aur creators ko encourage karegi to make such Bollywood whodunits because we need more of such movies to showcase how beautiful and exciting and fun a well-paced whodunit can be. So, have you seen Niyat and what did you think about it? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऑल्सो वी डिड अ रिव्यू फॉर सत्यप्रेम की कथा एंड आदि पुरुष, यू कैन चेक इट आउट राइट हियर एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम।